आपको बता दूं, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से की जाती है और समस्त भक्तगण जो हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में आए हैं कहते हैं आज जो हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में इस पावन पर्व पे एकादशी के दिन जो उनके श्री जी के हमारे दर्शन करते हैं उनको एक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनके तो मैं आपको बता दूँ इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर ने जब पूछा था भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व के बारे में तो उन्होंने इसके पीछे एक कथा है जो कि मैं आपको बता रहा कि सिंधु है अथा रस रस के रसायन की और कमनी अथा की जो किरीट है किशोरी है रास रस रंग के विधान की विधायिका है नायिका है सृष्टि की सुकीर्ति की कुमारी है के ठाकुर त्रिलोक के छवीले छेले बांके बड़े और संत कहते हैं वे भी उनके पुजारी हैं जिनके पदाम भुज पराग के बेकारी हम वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी है वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशाल बरसाना। तो दोस्तों आज हम फिर से आए हैं किशोरी जी के धाम बरसाना और मैं आपको बता दूं आज है वर्धनी एकादशी। वर्धनी एकादशी वैशाख माह की कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और दोस्तों इस एकादशी के संपूर्ण महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग चलेंगे किशोरी जी के धाम प्रांगण में ऊंची अटारी पे, वहाँ पे इसका संपूर्ण रहस्य जानेंगे क्यों मनाई जाती है इसकी प्रतिकथा के बारे में। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भक्तों हम लोग पहुंच चुके हैं किशोर जी की ऊंची अटारी पे उनके प्रांगण में और आप देख रहे हो श्री लाडली जी महाराज बरसाना। अब हम लोग अंदर चलेंगे। आप देख रहे हो काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और हम लोग आपको दर्शन कराएंगे आज के किशोर जी के युगल स्वरूप के। रेडी? तो भक्तों हम लोग सबसे पहले किशोर जी के श्री चरणों को नमन कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से हमारी श्री राधा रानी के श्री चरणों को नमन कीजिए। जय श्री राधे। तो भक्तों इसके साथ हमारे किशोर जी के कहते हैं ब्रह्माचल पर्वत पर किशोर जी का मंदिर है और यहीं पे स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं तो उनको भी हम लोग नमन करते हैं। उसके साथ हम लोग चलेंगे किशोर जी की ऊंची अटारी पे और आपको आज के दर्शन कराएंगे। तो आइए हमारे साथ। देख रहे हो हम लोग पहुंच चुके हैं किशोर जी की ऊंची अटारी पे पहुंचने वाले हैं उनके प्रांगण महल में और आप देख रहे हो किस तरीके से इनकी जो सीढ़ियां थी जो कि लोगों के कहते हैं गर्मी का टाइम है इस तरीके से मैट को रंगीन मैट की तरह सजाया हुआ है। तो हमारे साथ आइए, हम आज के दर्शन आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे आज के किशोर जी के भव्य दर्शन। आइए भक्तों आप देख रहे हो आज वर्धनी एकादशी का दिन है और काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सभी भक्तगण हमारे किशोर जी के प्रांगण में उनके महल में उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख रहे हो कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं और काफ़ी भक्त हैं जो कि दूर दराज से यहाँ पे हमारे किशोर जी के प्रांगण महल में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनके कहते हैं ना आज के दिन जो लोग हमारे किशोर जी के दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो एकादशी के दिन हमारे किशोर जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो हमारे किशोर जी के प्रांगण में उनकी अटारी पे एकादशी के दिन दर्शन करते हैं। कहते हैं इस एकादशी के दिन दर्शन करने से उनके समस्त जो कहते हैं ना पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कि सिंधु है अथा रस रस के रसायन की और कमनी अथा की जो किरीट है किशोरी है रास रस रंग के विधान की विधायिका है नायिका है सृष्टि की सुकीर्ति की कुमारी है के ठाकुर त्रिलोक के छवीले छेले बांके बड़े और संत कहते हैं वे भी उनके पुजारी हैं जिनके पदाम भुज पराग के बेकारी हम वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी है वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी है। बोलिए लाडली लाल की जय। भक्तों आप देख रहे हो हमारे किशोर जी के धाम में प्रांगण में उनकी अटारी पे सभी लोग हमारे किशोर जी के भव्य दर्शन कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आज एकादशी का पावन पर्व है और ये वर्धनी एकादशी का दिन है। आप देख रहे हो सभी हमारे किशोर जी के दर्शन करके अपने मन को धन्य कर रहे हैं। कहते हैं आनंद रस बरस रहा हमारे धाम बरसाना में। भक्तों आप देख रहे हो श्री लाडली जी महाराज बरसाना, हम लोग उनकी ऊंची अटारी पे हैं और वहाँ से आपको नीचे का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इस पावन एकादशी के पर्व पे सभी लोग हमारे किशोर जी के महल में उनके भव्य दर्शन करने के लिए आए हुए हैं तो बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है हमारे ब्रजधाम बरसाना में।
भक्तों आप देख रहे हो हम लोग विष्णु जी के प्रांगण महल के जो सामने उस वाले स्पेस पे आ गए हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे भी काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सभी लोग हमारे किशोर जी के दर्शन करने के लिए हमारे बरसाना धाम आए हुए हैं। कहते हैं बड़ा ही आनंद रस बरस रहा हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में। आप देख रहे हो माताएं बहनें कहते झूमते हुए नृत्य करते हुए किशोर जी के धाम बरसाना में बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं। कहते हैं किशोरी जी के धाम बरसाना में आकर के कहते हैं वही आते हैं जिन पे किशोर जी की कृपा होती है, बिना उनकी कृपा के कोई बरसाना धाम नहीं आता। तो बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो हमारे किशोर जी की धाम बरसाना में और वो भी पावन एकादशी के पावन पर्व पे उनके दर्शन करते हैं, हमारे श्री जी के दर्शन करते हैं। तो भक्तों आज वरुथनी एकादशी का पावन पर्व है और सभी लोग हमारे किशोर जी के श्री जी के नाम बरसाना में उनके ऊंची अटारी पे उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं आप देख रहे हो। और भक्तों मैं आपको बता दूं इस एकादशी का महत्व आखिरी एकादशी कब से प्रारंभ हुई आखिर क्यों इसकी कथा के बारे में आपको एक छोटी सी कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। तो मैं आपको बता दूँ इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर ने जब पूछा था भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व के बारे में तो उन्होंने इसके पीछे एक कथा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तों प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे एक राजा थे, माधवताराम के एक राजा थे जो कि राज करते थे और वो भगवान विष्णु की काफ़ी पूजा करते थे, पूजा आराधना करते थे। तो एक दिन राजा भगवान विष्णु की पूजा में लीन थे और एक अचानक से एक भालू आया और उनके पैर को काटने लगा। तो मैं बता दूँ राजा इतना लीन था हमारे प्रभु विष्णु जी महाराज के तपस्या में कि वो भूल गया कि मुझे किसी ने काटा है, उसे दर्द का कोई अभाव नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब भालू उनको पैर को पकड़ के खींच के ले जा रहा था तो उसने जंगल की ओर ले गया तो देखा तो राजा डर गया और उन्हें भगवान विष्णु को अपनी जीवन रक्षा के लिए पुकारा। तो भक्तों क्योंकि आप जानते हो भगवान तो हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान वहाँ पर आए और राजा की रक्षा की, उन्होंने भालू को मार गिराया। लेकिन जब देखा कि राजा का जो पैर था वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था और राजा ने फिर उनसे भगवान से बोला कि विष्णु जी से बोला कि मेरे तो पैर को पूरे भालू ने काट लिया है, तो प्रभु मुझे इस समस्या का हल बताइए, कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा ये शरीर है वो पहले जैसा हो जाए। तो भगवान विष्णु ने बताया कि आप वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और पूरे नियम से व्रत रखो। तो राजा ने फिर व्रत रखा उनके कहने पर और उनका जो शरीर था वो पूरा वो पहले के जैसा हो गया और उन्हें राजा को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की उपाधि हुई। तो तभी से ये वरुथनी एकादशी चली आ रही है और इसी दिन सभी माताएं बहनें सभी लोग सभी भक्त लोग हमारे विष्णु और माता लक्ष्मी की बड़ी प्रेम भाव से पूजा करते हैं। तो बता दूं इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी ही प्रेम भाव से की जाती है और समस्त भक्तगण जो हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में आए हैं कहते हैं आज जो हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में इस पावन पर्व पे एकादशी के दिन जो उनके श्री जी के हमारे दर्शन करते हैं उनको एक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उनके समस्त कहते हैं ना पापों का निवारण हमारे किशोर जी करते हैं। तो भक्तों आप देख रहे हो सभी हमारे श्री जी के धाम बरसाना में एकादशी के पावन पर्व पे सभी भक्त लोग यहाँ पे किशोर जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं आप देख रहे हो और सबको किशोर जी दर्शन देते हुए। तो भक्तों बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है और सभी भक्त लोग देखो आप देख रहे हो हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं श्री जी के धाम बरसाना में आकर के। और कहते हैं ना कोई नृत्य करते हुए नजर आ रहा है तो कोई झूमते हुए नजर आ रहा है हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है हमारे किशोर जी के धाम बरसाना में सभी इस वरुथनी एकादशी के पावन पर्व पे हमारे किशोर जी के श्री जी के दर्शन कर रहे हैं और कहते ना एक अद्भुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। अब तो आप देख रहे हो भक्तों की काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे किशोर जी के प्रांगण महल में इस एकादशी के पावन पर्व पे सभी लोग हमारे श्री जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं आप देख रहे हो। बड़ा ही आनंद रस बरस रहा है हमारे श्री जी के धाम बरसाना में। भक्तों आप देख रहे हो काफ़ी भक्त लोग जो कि हमारे श्री जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये जो आप देख रहे हो हमारे किशोर जी की सफ़ेद छतरी है जो कि इस पर हमारी श्री जी साल में 3 बार दर्शन देती है आपका होली राधाष्टमी और हरियाली तीज पे।
और ये आपका देख रहे हो बरसाना शहर, हमारे किशोरी जी का बरसाना। तो भक्तों, आज हमने आपको श्री जी के इस एकादशी के पावन पर्व पे अपने चल के माध्यम से भव्य दर्शन कराए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के दर्शन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी घर बैठे हमारे श्री जी के दर्शन हो पाएँ। और अगर चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे ब्रज की समस्त लीलाएँ देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे।